सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमपिता जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं, मिलने की चाहत रखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत से सवाल जो आप लोग खोजते हैं, पूछते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ नहीं पाते, अंदर ही अंदर उठते रहते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर उठे, फिर दब गए, लेकिन ना उत्तर मिलता है, ना वो सवाल समाप्त होते हैं और घूमते रहते हैं, एक से दो, दो से चार, वो प्रश्न बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम बस ये समझने के लिए कि हाँ मैंने कुछ खोज की है, प्रश्न डाल देते हैं बिना खोज किए। लेकिन जब आप खोज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ढूंढने का प्रयत्न करोगे, अंदर में उतरने का प्रयास करोगे, कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक सब प्रश्न समाप्त नहीं होंगे, जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। अनेकों अनेक प्रश्न, सबके अलग अलग सवाल, अलग अलग विचार, अलग अलग बुद्धियाँ, अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग सोच और अलग अलग तरीके से साधना, अलग अलग प्रकार के प्रयास, अलग अलग चढ़ाई, तो इस कारण से प्रश्न भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से खोजोगे, सुनोगे, तो आपके जवाब, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका कोई जवाब ना हो, चाहे अनुभव से, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से, प्रश्न का प्रश्न नहीं रहता। जब तक प्रश्न का प्रश्न है, अंदर शांति नहीं हो सकती। कुछ लोग मन रोकने का प्रयास करते हैं, साधना करने का प्रयास करते हैं, उनका मन काबू में नहीं रहता। सबसे बड़ी साधना में जो विघ्न है वो मन ही है, मन ही मित्र जो परले पार लगा दे, मन ही शत्रु एक पल में मरवा दे। तो मन साधना के बीच की ऐसी कड़ी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से काबू में करना होता है। इसको काबू में करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से साधनाएं की जाती हैं। जैसे भी जो जिस प्रकार से प्रयास करता है, उसी प्रकार से प्रार्थनाएं करके चढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी ये मन काबू में नहीं आता। हम लोग चारों तरफ निरीक्षण करते रहते हैं, मन के द्वारा हर जगह निरीक्षण करते रहते हैं बस, लेकिन अपने अंदर में निरीक्षण नहीं कर पाते। संसार का निरीक्षण हम हर पल करते रहते हैं। कहीं भी जाओ आप, किसी ने नया घर बनाया है,
इस घर में ये रूम यहाँ से यहाँ होता तो और अच्छा होता, ये वॉशरूम यहाँ नहीं होता तो वहाँ हो जाता तो और अच्छा होता, रसोई इधर की जगह से उधर बनानी चाहिए थी, ऊपर दो रूम और बनाने चाहिए थे। हम अपनी राय डाल देते हैं, कोई गाड़ी ले कि ये गाड़ी ली है, दूसरा बोलेगा नहीं ये अच्छी कंपनी नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए थी, तीसरा बोलेगा नहीं वो भी अच्छी नहीं है और वो तीसरे वाली लेनी चाहिए थी। कहीं भी हम सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं कि ये सड़क टूटी हुई है, ठेकेदार ने काम नहीं किया होगा, ऑफिसर लोग हैं वो क्राइम करते हैं, वो खा गए होंगे, सरकार ऐसी है, इस प्रकार की हम अपनी राय देते रहते हैं बिना मांगे बिना कुछ किए। कहीं किसी स्थान के ऊपर भी गए, चाहे आप यहाँ आए यहाँ भी कहीं भी, ये मन अपनी राय देता रहता है, निरीक्षण करता रहता हर टाइम, किसी भी वस्तु कोई चाहे मिट्टी ही क्यों न हो कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है वहाँ की अच्छी है, हर पल ये मन निरीक्षण में लगा रहता है। कोई भी पल ऐसा नहीं रहता जब ये निरीक्षण नहीं करता, चाहे वस्त्रों के अंदर कि इस कलर के अच्छे वस्त्र नहीं है, इसमें अगर ये कलर डाल देते तो और अच्छा होता, सफ़ेद रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, इस रंग के वस्त्र अच्छे नहीं लगते, लाल कलर के वस्त्र अच्छे लगते हैं काले के अच्छे नहीं लगते, इस प्रकार से हर पल ये मन निरीक्षण करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हम मन के अधीन हैं और मन के अधीन कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और धीरे धीरे जो हमें भजन संग्रह करना चाहिए था उससे दूर जा कर के संसार में और फंस रहे हैं। हम अध्यात्म में भी तर्क देने लगते हैं, हम संतों के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम ज्ञान के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गीता के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गो के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गायत्री के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गंगा के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, इस प्रकार से हर जगह निरीक्षण कर करके निरीक्षण कर करके अपने अंदर उन चीज़ों को इतना भर लिया कि हम सब कुछ निरीक्षण कर देते हैं कहीं भी हों। ये हालात प्रत्येक जीव की है, केवल आप लोगों की नहीं,